मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव भाजपा के लिए आसान नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह बीजेपी में मची अंतर्कलह है, जो अब खुलकर सामने आ रही है। ताजा मामला कटनी जिले का है, जहां पूर्व विधायकों ने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की है। कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह, स्वीकृति जैन, गिरिराज पुद्दार और अलका जैन सभी ने एक सुर में नई भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच की खाई का दोषी प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त को बताया है। जहां भाजपा के दिग्गज नेता में सुमार कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने साथ हो रहे भेदभाव की राजनीति पर रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा परिवार तीनों पीढ़ियों से राजनीति में है। जनशक्ति में 1980 में जुड़े उस दौर में पोलिंग एजेंट नहीं मिलते थे। हमने खून पसीने से सींच कर पार्टी खड़ी की, जिले में विधायक से लेकर कई अहम पदों में रहकर जनसेवा की, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष और विजय राघवगढ़ विधायक ने भाजपा को वन मैन आर्मी बना दिया है। भाजपा अपने मूल मंत्र संगठन गढ़े चलो आगे बढ़े चलो से भटक चुकी है, जिससे भाजपा के वोटर्स काफी नाराज हैं। उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में की गई अपनी अनदेखी को लेकर दुख व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पार्टी में दिए गए लंबे योगदान के बाद भी नगर निगम से लेकर ग्रामीण चुनाव में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मुझे आउटडेटेड समझ लिया गया, लेकिन मैं अभी सक्षम हूँ। वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिला अध्यक्ष ने संपर्क किया है। वहीं कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह का कहना है कि वीडी शर्मा तो शायद पहचाने भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस में जाने के संकेत देते हुए कहा कि जब कांग्रेस के लोग भाजपा में आ सकते हैं तो भाजपा के कांग्रेस में क्यों नहीं, अभी जनसेवा की इच्छा है वो करेंगे। 2003 में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र पाठक को हराकर भाजपा की झोली में 15,000 वोटों की जीत डालने वाले कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह का नाम दिग्गज नेताओं में शुमार है, लेकिन बीजेपी में उनके साथ हो रही उपेक्षा से न सिर्फ ध्रुव प्रताप सिंह बल्कि कैबिनेट मंत्री रही अलका जैन, पूर्व विधायक गिरिराज पुद्दार सहित स्वीकृति जैन ने खुद को उपेक्षा का शिकार बताया है। पूर्व विधायक अलका जैन और स्वीकृति जैन की माने तो वरिष्ठों को सत्ता की नहीं बल्कि सम्मान की भूख होती है, और सरकार बनाने में नई पीढ़ी के जोश के साथ ही वरिष्ठों के अनुभव की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन मौजूदा हालत में दोनों पीढ़ी के बीच एक खाई बन चुकी है, जिसका जिम्मेदार उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा को बताया है। वहीं कांग्रेस में जाने के सवाल पर उन्होंने उचित अवसर मिलने की बात कही है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक गिरिराज पुद्दार ने भी अपने साथ हुए छलावे की राजनीति का दर्द बयां किया। हालांकि संघ से जुड़े होने की वजह से उन्होंने खुलकर कांग्रेस में जाने की बात नहीं कही, लेकिन वह भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के दरकिनार करने के बाद से सहमत दिखे। पूर्व विधायक गिरिराज ने बताया कि भाजपा ने मन बना लिया है, जिसे आना है वो आए, जिसे जाना है वो जाए। ये एक तरह का अहंकार है, ये निर्णय संगठन का नहीं हो सकता। कार्यकर्ताओं को सम्मान की उम्मीद रहती है, लेकिन पूर्व विधायक से लेकर रनिंग कार्यकर्ता असंतुष्ट तो हैं। मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मेरे द्वारा समय समय पर इसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। रही बात मेरी, तो अन्य दल में जाना होता तो 2019 में ही चला जाता। मैं हिंदुत्व प्रेमी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कहीं जाने वाला नहीं। वहीं प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से भाजपा नेताओं के कांग्रेस में जाने का सवाल पूछा गया तो वो बचते नजर आए। भाजपा में जारी मतभेद का असर सिर्फ पूर्व विधायकों में नहीं बल्कि युवाओं में भी दिखाई दे रहा, जिसका फायदा कांग्रेस जमकर उठा रही है। हाल ही में भाजपा युवा मोर्चा के आधा सैकड़ा नेताओं ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंशु मिश्रा के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये तमाम संकेत बीजेपी के लिए बुरे दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा इसे कैसे रोकती है। 2018 के बाद और आज दिनांक तक मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको किनारे कर दी। छोटा उदाहरण देते हैं हम आपको कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वीडी शर्मा जी सांसद भी हैं खजुराहो से, इसमें कटनी बहोरीबंद और यह राघोगढ़ है। इनको जब टिकट मिली तो ये सबके घर गए, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष। हमने भी जो अब अखबारों में पढ़ा तो हमको भी लगा था कि आएंगे और स्वागत करेंगे उनका, जैसा कहेंगे करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि वो हमारे पास नहीं आए। और उसके बाद फिर जब नहीं आए तो फिर हम भी नहीं गए मिलने, और आज दिनांक तक
हो सकता है कि शायद मुझे पहचाने ना आपको कि मैं कौन हूँ, ध्रुव प्रताप सिंह कौन है। तो बस बीच में कई घटनाएं हुई, अरे घटनाएं क्या मतलब, लोग नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, तो कहीं भी कोई जिम्मेवारी भी नहीं मिली। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको छोड़ के चल रही है, अभी हम आउटडेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि हम। तो क्या ये बात सही है कि आप कांग्रेस की तरफ आपका रुख मुड़ रहा है? है, स्वाभाविक रूप से जब जहां पर हैं वहां कोई पूछ नहीं रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमको जाना पड़ेगा ना। हमारी राजनीति खत्म तो नहीं हो गई है अभी, ना कोई इतने उम्र है हमारी कि कोई हमको जबरदस्ती घर में बैठा दे कि नहीं अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो काम भी तो मिलना चाहिए, तो काम करते ही आ रहे हैं हमेशा। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आपको देख, चुनाव समर में आप दिखेंगे और किस क्षेत्र से दिखेंगे? अब ये तो देखिए, राजनीति है भाग्य का खेल, भाग्य कहाँ ले जाए ये किसी को मालूम नहीं है, इस समय आने पर सब तय होगा ये। लेकिन ये बात तय है कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में? हाँ, संभवतः